जन्म के पूर्व नवजात को दिए गए अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के मामले पर बच्चे के पिता अभिषेक कुमार पांडे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महानगर में कई हॉस्पिटल लाइसेंस के विपरीत चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी को 30 मार्च को लेवल 2 अल्ट्रासाउंड प्रज्ञा हॉस्पिटल में डॉक्टर अंजू मिश्रा के द्वारा किया जाता है और हमें गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। एक RTI से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रज्ञा हॉस्पिटल नामक फर्म पंजीकृत नहीं है। हमने PCP NDT की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सेंटरों की सूची भी देखा, उसमें भी प्रज्ञा हॉस्पिटल के नाम से कोई फर्म पंजीकृत नहीं मिला। यह PCP NDT अधिनियम 1994 का उल्लंघन है और एक प्रकार का धोखा भी है। उन्होंने कहा कि छापड़िया डायग्नोस्टिक बेतिहाता में अल्ट्रासाउंड कराया गया और हमें गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। RTI से प्राप्त सूचना के आधार पर छापड़िया डायग्नोस्टिक नाम का कोई फर्म पंजीकृत नहीं है। PCP NDT की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सेंटरों की सूची में भी छापड़िया डायग्नोस्टिक के नाम से कोई फर्म पंजीकृत नहीं मिला। इस प्रकार यहां के कुछ हॉस्पिटल मरीजों को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी सेंटरों की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अभिषेक कुमार पांडे ने कहा, अभिषेक कुमार पांडे नाम है सर हमारा। सर सेंटर तो चारों सील कर दिए गए हैं, लेकिन सर इसमें भी ये जो PCPNDT एक्ट 1994 है, इसके तहत हर सेंटरों का रजिस्ट्रेशन PCPNDT में होना अनिवार्य है और इसके जो भी नियम है इसको फॉलो करते हुए ही चलना है। उसके बाद भी सर ये जो प्रज्ञा हॉस्पिटल है इस नाम से कोई फर्म PCPNDT में पंजीकृत नहीं है और छापड़िया डायग्नोस्टिक के नाम से कोई फर्म पंजीकृत नहीं है। हमने RTI से भी सूचना मांगी है और ये PCPNDT की सब एक एक सेंटरों की सूची भी है सर, इसमें भी इस नाम से कोई फर्म है नहीं और हमें रिपोर्ट प्रज्ञा हॉस्पिटल और छापड़िया डायग्नोस्टिक का मिला हुआ है। ये पूरा एक सोचा समझा जो स्कैंडल चलता है इसका, और हमें लगता है इस मामले में जो है सबको ये इस मामले में CMO साहब के भी संज्ञान में ये मामले होंगे और उसके बाद भी ऐसे सेंटर चल रहे हैं जो कि ना कि मतलब नाम किसी और का है, फर्म किसी और का और PCPNDT में पंजीकृत भी ऐसे फर्म है नहीं, उसके बाद भी सेंटर चल रहे हैं। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये छापड़िया डायग्नोस्टिक को बंद किया जाए और प्रज्ञा हॉस्पिटल को पूरी तरह से बंद किया जाए, क्योंकि इनका जो पंजीकरण है साहब वो प्रज्ञा क्लिनिक पे है और पूरी क्लिनिक पे ये पूरा हॉस्पिटल चला रही है। PCPNDT में इनका क्लिनिक पे रजिस्ट्रेशन है और ये पूरा हॉस्पिटल चला रही है और ये मामला सबके संज्ञान में भी होगा, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है। कोई समय भी निर्धारित किया कितने दिनों भीतर कार्रवाई होनी चाहिए? अब हम तो चाह रहे हैं साहब कि ये एक हफ्ते के अंदर इनका हॉस्पिटल और छापड़िया डायग्नोस्टिक सील किया जाए, क्योंकि ये लोग इन पर जब तक इनके पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे सेंटर ऐसे चलते रहेंगे और लोगों के साथ ऐसे छल और धोखा होता रहेगा जो मेरे साथ हुआ है।